रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। इमेजिन करो ये मास m1 है और ये मास m2 है और ये डिस्टेंस r है, ठीक, m1 है, m2 है और r है। इसके अंदर अगर मैं ये पूछूं सिस्टम की एनर्जी क्या है, तो माइनस जी m1 m2 बाय r, ये आपकी क्वेश्चन नंबर हो गई 1। तो सिस्टम की एनर्जी माइनस जी m1 m2 बाय r, सही है। अब अगर मैं ये बोलूं कि मुझे पोटेंशियल बताओ इस पॉइंट पे, v क्या होगा बताओ इस पॉइंट पर, बोलो दोनों मासेस लगाएंगे कि एक मास लगाएगा, एक कि दो, दो पॉइंट मासेस हैं, m2 नहीं लगाएगा, m2 अपने ऊपर लगाएगा, लगा सकता है, तो डिफाइंड नहीं है। एक पॉइंट मास अपने ऊपर पोटेंशियल नहीं लगा पाएगा क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, वो डिफाइंड नहीं है। इसीलिए आपने नोट किया होगा जब मैं बोलता हूं कि भाई यहां पे वी निकालो, तो यहां के मास को कंसिडर करो ही मत, क्योंकि वो तो पोटेंशियल में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, कर नहीं सकता वो, तो आप भूल ही जाओ कि ये मास आपके लिए है। पड़ोस के मासेस लगाएंगे पोटेंशियल, वो खुद तो ना लगाता है, एक मास अपने ऊपर कभी पोटेंशियल लगाएगा नहीं, पड़ोस के मासेस लगाएंगे। तो बोलो क्या होगा, माइनस जी एम वन बाई आर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, सही है, पोटेंशियल आ गया इस पॉइंट पर, एनर्जी भी आ गई। एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो। एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r है, और v का फॉर्मूला माइनस जी m1 बाई r है। इसे डिवाइड कर देते हैं, जब डिवाइड करेंगे u बाई v, तो आपके पास सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, कैंसल होने के बाद सिर्फ और सिर्फ m2 बचेगा, तो u इज इक्वल टू m2 इंटू वी, मास इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू पोटेंशियल, ये फॉर्मूला आ गया। आपको ये फॉर्मूला याद करे, नहीं नहीं याद नहीं करना, देखो कॉन्सेप्ट को सीखना है, कैसे लगेगा वो बताता हूं। ठीक, देखो ये कॉन्सेप्ट कहां लगता है ये बताता हूं। ये कॉन्सेप्ट ऐसे लगता है, नॉर्मली हमें जब पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट मासेस की निकालनी है, हमें पता है यार ये फॉर्मूला लगाओ और काम खत्म करो, कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना, वैल्यू पुट करो ना, माइनस जी m1 m2 बाय r पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, बात ही खत्म है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, वो क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि वो कहेगा देखो ऐसा है, एक पॉइंट है, आपको कहे ठीक है, एक पॉइंट पर 2 kg का मास है, आपको कहे ठीक है, ठीक, और इस पॉइंट और यहां भी एक मास है, और वो ये पूछेगा कि इनमें एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालो। आप पूछोगे ठीक है वो तो मैं निकाल दूंगा भाई, इसका मास तो बता, डिस्टेंस तो बता, कहता मैं ना डिस्टेंस बताऊंगा ना मास बताऊंगा, दोनों चीजें नहीं बताऊंगा, अब निकाल, अब कैसे निकालूं, अकेले मास को देके थोड़ा निकाल दूंगा। लेकिन वो स्टूडेंट कहता है कि एक काम कर सकता हूं, यहां पर जो भी मास है वो कोई ना कोई पोटेंशियल लगा रहा होगा इसके ऊपर, हाँ मैं पोटेंशियल बता सकता हूँ, इस पड़ोस के मास ने यहाँ पर पोटेंशियल लगाया 10 J/kg का। हाँ मैंने कहा कुछ करना ही नहीं है, देख अब मैं एनर्जी निकाल के दिखाता हूँ, जो भी मास है और जहाँ पर वो मास पड़ा हुआ है उसके पोटेंशियल से इसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई, देखो ना J/kg × kg क्या बचेगा, जूल, आंसर 20 J एनर्जी सिस्टम की। ये है काम की चीज़, आपको कि ये क्या काम की चीज़ है, मतलब मेरी डेली रूटीन में तो बताओ कहाँ काम आ रहा है, ये सोचने वाली बात है। कैसे ये फील्ड पढ़ के, हम एक चैप्टर करेंगे +2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैंने आपको बहुत बार बोला यही है +2, बस ये +2 चलनी है, +2 में पूरा महीना यही कुछ चलता रहेगा, बस थोड़ा लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है +1 से। उसमें यह सिखाया जाता है कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की, जहां मास है वहां रिप्लेस बाय चार्ज, और जहां पोटेंशियल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो वोल्ट में होता है। तो ये फॉर्मूला आ जाता है एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल। आपको कि इसका क्या करना है, फिर देखो इसका ये करना है, और करते आए हो आप, आपको मालूम ही नहीं आपने कब कर लिया। मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन 20 V पे पड़ा हुआ है, बोलो एनर्जी कितनी है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहीं से तो आ रहे हैं,
चार्ज इंटू पोटेंशियल इज एनर्जी, मास इंटू पोटेंशियल इज अगेन एनर्जी, सारे फील्ड एक ऐसे हैं। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? और कुछ ऐसा है, क्लियर है? तो आप कहोगे फिर चलो ठीक है, तो प्लस टू में कर ही लेंगे, फिर ये किस काम का है? अब देखो ये किस काम का है। वो कहेगा कि इमेजिन करो एक प्लैनेट है, इस प्लैनेट ने यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू लगाई 10 जूल पर केजी, मान लो -7 लगा लेना, सॉरी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है नेगेटिव, तो -10 का इसके ऊपर पोटेंशियल है। ठीक है, समझ में आ गया? अब वो कहेगा कि एक काम करो, यहाँ पे एक मास रख दो 2 केजी का। ठीक है, रख दिया 2 केजी का मास। वो कहेगा अब ये कहाँ गिरेगा बताओ? ऑब्वियसली प्लैनेट के ऊपर ही गिरेगा। एनर्जी क्या है? 20, -20 पोटेंशियल, और वो किस में कन्वर्ट होने वाली है? काइनेटिक। तो आप उसकी काइनेटिक इक्विवेलेंट भी निकाल के वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर कभी, मतलब रूटीन यूज होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद ही ये आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को आगे यूज किया जा सकता है। बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी बस ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब यूज होगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अभी है नहीं, पर मैंने बता दिया कि दो फील्ड कैसे लिंक्ड हैं और कैसे चार्ज इंटू पोटेंशियल और मास इंटू पोटेंशियल पोटेंशियल जी ही देंगे।